चिप्स पर ये लाइंस कैसी होती हैं? प्रिजनर्स को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेसें क्यों पहनाई जाती है? जब YouTube 2005 में लॉन्च हुआ था तो इसका होम पेज कैसा दिखता था? इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 21, आपके बॉडी में तकरीबन 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स मौजूद हैं। तो अगर आप अपने सेल्स में से सारा DNA निकाल देते हैं तो वो तकरीबन 744 माइल्स का डिस्टेंस तय कर सकता है। हमारा मून तकरीबन 250,000 माइल्स दूर है हमसे, तो हमारा DNA चांद तक भी पहुंच सकता है और 1500 बार वापस भी आ सकता है, और अगर सूरज पर भेजा जाए तो 4 टाइम्स। अमेजिंग। नंबर 20, एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयले ने ही सबसे पहले इस बात को पॉइंट आउट किया था कि अगर एक कार को 95 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ड्राइव किया जाए तो सिर्फ एक घंटे में हम लोग स्पेस तक पहुंच सकते हैं। नंबर 19, काफी फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिन पर अल्ट्रावायलेट पैटर्न्स मौजूद होते हैं और हनी बीज इनको देख भी सकती हैं और ये इन्हें अपने विजुअल गाइड्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें तो नॉन डिस्क्रिप्ट लगते हैं मगर उन पर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट पैटर्न्स होते हैं। नंबर 18, एक आम घर की बिल्ली की तरह टाइगर्स में भी एक अडेप्टेशन होती है जो लाइट को इनके रेटिना से रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब यह है कि टाइगर्स का नाइट विजन हम इंसानों से भी 6 टाइम्स बेहतर है। नंबर 17, आपने ये तो सुना होगा कि घोड़े खड़े होकर सोते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल घोड़े पहले जंगल में रहते थे तो इनके फाइट या फ्लाइट बहुत मजबूत हो गई। अगर घोड़े को कोई खतरा महसूस होता है तो नींद खड़े होने की वजह से इसे फरार होने में मदद मिलती है, जबकि अगर वो लेट कर सोएंगे तो यकीनन उनकी स्पीड में कमी होगी। नंबर 16, आपने शार्पनर को यूज करते वक्त इन लाइंस को तो देखा होगा। ये लाइंस तकरीबन हर शार्पनर पर होती हैं। दरअसल ये लाइंस शार्पनर को एक मजबूत ग्रिप प्रोवाइड करती हैं और शार्पनर आपके हाथ से स्लिप नहीं हो, पेंसिल आसानी से शार्प की जा सकती है। वीडियो में अगर जरा सभी मजा आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 15, न्यू असायरियन सल्तनत के दौरान बड़े यादगार बैलों को अक्सर परों और इंसानी शक्ल के साथ खुसराबाद और नैनवे जैसे रॉयल पैलेसेस के गेटवे गार्डियंस के तौर पर रखा जाता था। उनका यह कहना था कि ये हमें शैतानी ताकतों से प्रोटेक्ट करते हैं। आमतौर पर इनकी 5 टांगें ही होती हैं। इन लाइन बॉडीड मुजस्मों को स्फिंक्सेस कहा जाता है। नंबर 14, आपने काफी चिप्स पर ऐसी लाइंस तो देखी ही होंगी, मगर इसका पर्पस क्या होता है? महज ये किसी डिजाइन या स्टाइल के लिए नहीं होती, बल्कि इससे ये और भी क्रंची हो जाते हैं। इन्हें इसलिए बनाया जाता है ताकि बाइट करते वक्त ये अपनी जगह से ही टूटे, ना कि कहीं और से टूटे, और इस पर मसाला भी अच्छे से लगाया जा सके। नंबर 13, एक कागज पर जापान और रशिया अभी भी जंग में है। पैसिफिक के दो पड़ोसी मुल्क जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के लिए अभी तक मुआहदे पर साइन नहीं किए, दोनों कंट्रीज के पैसिफिक में एक सेंचुरी से भी ज्यादा मिलिट्री राइवल्स हैं और सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी महीने में जापान के साथ जंग का ऐलान किया। सो दोस हॉस्टिलिटीज वर रिलेटिवली शॉर्ट। नंबर 12, फर्स्ट एड तो हर कोई यूज करता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे और किसने इन्वेंट किया था? तो एक अमेरिकन इन्वेंटर एरले डिक्सन, जो 1892 से 1961 तक जिया, वो अमेरिका में चिपकने वाली पट्टियां बनाने के लिए मशहूर था। वो अपनी जिंदगी के एक बड़े मकसद के लिए न्यू जर्सी के शहर हाईलैंड पार्क में रहता था। नंबर 11, आपने काफी प्रिजनर्स के ड्रेसेस पर ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस तो देखी होंगी, आखिर इनको यही ड्रेसेस क्यों पहनाई जाती हैं? दरअसल ये ट्रेंड साल 1820 में शुरू किया गया था। इनका पर्पस यह था कि ये स्ट्राइप्स प्रिजन बार को रिप्रेजेंट करती थी। ये हॉरिजॉन्टल शेप में होती थी जबकि जेल बार वर्टिकल शेप में होती थी। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था जो कैदियों के ऊपर डाला जाता था। नंबर 10, 27 मार्च 1977 को दो बोइंग 747 पैसेंजर्स जेट ऑपरेटिंग KLM फ्लाइट 4805 और पैन AM फ्लाइट 1736 लॉस रोडियोस के एयरपोर्ट के रनवे पर एक दूसरे से टकरा गए और नतीजतन 583 डेथ्स के बाद ये एक्सीडेंट हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट माना जाता है। नंबर 9, आपने YouTube तो यकीनन यूज की होगी, जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया यूज करती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube जब नया नया लॉन्च हुआ था तो ये कैसा दिखता था? तो इस स्क्रीनशॉट में आप YouTube का फर्स्ट लॉन्च होम पेज देख सकते हैं। नंबर 8, नवंबर 1990 को CIA अथॉरिटीज ने एजेंसी कैफेटेरिया के बाहर एक नया स्कल्पचर देखा। इस मिस्टीरियस स्कल्पचर का नाम क्रिप्टोस है, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब सीक्रेट या छुपा हुआ है। इस स्कल्पचर को जिम सैनबोर्न ने बनाया था, जो अमेरिका का एक मशहूर स्कल्पटर है। नंबर 7, 19वीं सेंचुरी में लोगों को इतने ओपन तरीके से दफनाया जाता था कि इन्वेंटर्स ने एक ऐसा पेटेंट कॉफिन बनाया था कि कोई जमीन के अंदर का इंसान ऊपर ग्राउंड पर चलने वालों को अलर्ट कर सकता था अगर वो अभी भी जिंदा है तो। नंबर 6, एक बार हॉन्डुरन सिटी में एक अजीब इंसिडेंट पेश आया जब आसमान से सैकड़ों मछलियों की बारिश होने लगी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मछलियां आखिर आ कहां से रही। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, ये लड़की जिसका नाम जेसिका कॉक्स है, ये बचपन से ही अपने बाजुओं के बगैर पैदा हुई है। ये लड़की इस नायाब बीमारी के साथ पैदा हुई है और हाँ, एक बड़ी रूह के साथ भी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लड़की ताइक्वांडो में एक फॉर्मल डांसर और डबल ब्लैक बेल्ट भी है। इसके पास नो रिस्ट्रिक्शन ड्राइविंग लाइसेंस भी है और इसने एक प्लेन भी उड़ाया हुआ है। और तो और, ये एक मिनट में 25 वर्ड्स टाइप कर सकती है सिर्फ अपने फुट्स की मदद से। इस लड़के को तो सल्यूट है ना कमाल का। फैक्ट को अभी एक सेकंड लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 4, आमतौर पर डॉक्टर्स ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की दो डिस्टिंक्ट फॉर्म बताते हैं। ब्रेन इंजरीज तब होती हैं जब अचानक से घुटन, कार्डियक अरेस्ट या गला घोंटने की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज तब होती हैं जब दिमाग को जरूरत से कम ऑक्सीजन मिलती है। हाँ, मगर वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती क्योंकि दोनों चोटों के इफेक्ट सिमिलर ही हैं। नंबर 3, आपने मगरमच्छ के आंसू वाली कहावत तो सुनी ही होगी, मगरमच्छ सच में आंसू निकालते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा हवा निकल लेते हैं और ये हवा इनके लैक्रिमल ग्लैंड्स को टच हो जाती है जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो रहे हैं। इस कहावत को आमतौर पर उन लोगों के लिए बोला जाता है
जो झूठे आंसर होते हैं। नंबर टू, डिफेंस के पास दो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और ये इन कानों से बहुत से काम कर लेते हैं। इनमें से एक ज्यादा गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा करता है। ब्लड का फ्लो जो गर्मी को बाहर ले जाता है और ठंडा खून इनकी ब्लड स्ट्रीम्स में दोबारा दाखिल हो जाता है, जिससे इनकी गर्मी कम होने लगती है। अमेजिंग। नंबर वन, आप अपने सर पर 3 pounds का एक निकली मटेरियल लेकर जाते हैं जो आपको पलक झपकने, सांस लेने, बोलने, सुनने और दिल के धड़कन को कंट्रोल और फील करवाता है। वो फैंटास्टिक कंट्रोल सेंटर आपका दिमाग है। ये एक ऐसी अमेजिंग चीज है कि एक बार एक साइंटिस्ट ने इसको एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज कहा है जो हमने आज तक डिस्कवर की है। जब हम जागते हैं तो हमारा दिमाग इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए इतनी एनर्जी काफी होगी। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। उम्मीद है आपको वीडियो में मजा जरूर आया होगा, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, ये जो प्रीवियस वीडियोस दिख रही हैं इनको भी जरूर वॉच आउट कर लें।